हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले बार की तरह इस बार भी लेबोरेटरी अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। यह वैकेंसी ACPGI लखनऊ में निकाला गया है एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत। प्रोजेक्ट नाम है टू एस्टेब्लिश फैसिलिटी फॉर माइक्रो आर्किटेक्चरल एंड हिस्टो मॉर्फोमेट्रिक असाइनमेंट ऑफ बोन इन ऑस्टियोपोरोसिस एंड मेटाबॉलिक बोन डिजीज, यह प्रोजेक्ट का नाम है जो कि निकाला गया है। इसके लिए ये जो जितने सारे वैकेंसी हैं ये प्रोजेक्ट के लिए ही निकाला गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। प्रोजेक्ट का मतलब होता है अगर वैकेंसी कोई निकाला जा रहा है तो प्रोजेक्ट ख़त्म और जॉब ख़त्म, ये परमानेंट नहीं है। हो सकता है किसी जैसे कि प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ तो कुछ दिन के लिए बढ़ाया जाता है, जैसे कि 1 साल के लिए प्रोजेक्ट निकाला गया है। अगर हो सके प्रोजेक्ट अगर 10 महीने में ख़त्म हो जाता है तो आपको 1 साल का जो सैलरी होता है वो दे करके प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देगा, या 1 साल में पूरा नहीं होता है तो कुछ महीने, 3 या 6 महीने के लिए वो बढ़ाया जाता है। सीरियल नंबर 1 में देखेंगे लैब अटेंडेंट के वैकेंसी का, टोटल 1 सीट है। इसका सैलरी है 15,800 पर मंथ। क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल और इक्विवेलेंट। डिसेबल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल लेबोरेटरी गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स। सीरियल नंबर 2 में देखेंगे लैब टेक्नीशियन का, 1 सीट है। सैलरी 18,000 पर मंथ फिक्स है। क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट प्लस 2 ईयर डिप्लोमा या BSc MLT होना चाहिए। डिसेबल क्वालिफिकेशन में है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इम्यूने एसे लेबोरेटरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट या सरकारी कोई भी हो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालांकि इम्यूने ऐसे जो दिया हुआ है, अगर इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। इसका अपर एज लिमिट है 30 साल। और सीरियल नंबर 3 में देखेंगे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इसका सैलरी है 18,000 पर मंथ फिक्स है। क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट 2 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी, इंटर होना चाहिए, उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या BSc होना चाहिए रेडियोग्राफी में। तो इस तरह से निकाला गया है यह वैकेंसी। ये आपको फॉर्म कैसे भरना है तो वो बता देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक मेल दिया हुआ है dbt.sahaj@gmail.com। इस पे आपको मेल करना है 30 अक्टूबर 2021 से पहले। मेल में क्या करना है तो एक आपको रिज्यूम लेना है, और उसके साथ जितने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जैसे मार्कशीट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह से आपको जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं सारे को आपको स्कैन करना है और PDF फॉर्मेट में बनाना है और इस पे मेल करना है 30 अक्टूबर 2021 से पहले। यह मेल नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है।